बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन शॉर्ट वी कॉल दिस आल्सो एज अ एपी. क्या बोलते हैं इसको? एपी भी बोलते हैं. ठीक है, अब क्या होता है एपी? फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक नंबर लिखा 3, 7, 11, 15, 19. अब ये सीरीज में क्या स्पेशलिटी है? इफ यू विल सी नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर कांस्टेंट आ रहा है. 7 माइनस 3, 4. 11 माइनस 7, 4. 15 माइनस 11, 4. 19 माइनस 15, 4. सो नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर इज अ कांस्टेंट. सच टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज अ एपी. व्हाट वी कॉल दिस? AP, arithmetic progression. और ये जो constant आ रहा है उसको बोलते हैं common difference. Common difference. So here, common difference is what? It is 4. In this case, 4. And the first number, what is the first number in the series? 3. Okay. We denote this as A, small a. So it is. So, let's say this is your first term, right? This is first term, this is your second term, this is your third term, this is your fourth term, this is your fifth term. और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 17th term क्या होगा, एक सेकेंड में बताओ, without doing it manually, ठीक है? So, mostly बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इसको? They have a formula. Let's say there is a student 1 or student 2. Same problem को दो student कैसे solve करते हैं? देखो, student 1 and student 2. Student 1 क्या करेगा? वो procedural way से जाएगा, ठीक है ना? उसको पढ़ाया गया formula, nth term of AP is equals to A plus n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला पढ़ाया गया, ठीक है. ए क्या होता है? फर्स्ट नंबर ऑफ द एपी. डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है. तो वो फॉर्मूले में पुट करेगा, ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है इसमें? 4. अब ये इसको सिंप्लीफाई करेगा, सो दिस विल बी व्हाट? इसने ऐसे निकाला 4n-1. अब दूसरा बच्चा सेम प्रॉब्लम को देखो कैसे अप्रोच करता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है. वो विद इन अ सेकेंड इसको निकाल लेगा. नाउ द ट्रिक इज व्हाट? द ट्रिक इज सबसे पहले क्या लिखना है? पहले देखना है कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है. एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है इस केस में? क्या है बताओ इस एपी का कॉमन डिफरेंस? 4. तो लिख दो 4 into n, ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस के साथ हमेशा तुमको n लिखना है, 4 into n. अब पहला नंबर क्या है? 3. तो जब मैं इसमें n के जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये क्या नंबर देगा? 4 देगा ना. n के जगह पे जब यहां पे तुम 1 पुट करोगे तो नंबर 4 आएगा. बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 3. अब रख के देखो, n के प्लेस पे अगर तुम 1 रखोगे तो दैट विल बिकम 4-1 = 3. सो विद इन अ सेकेंड ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब ये सब हेल्प कहाँ पे होगा? जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएगा तो, बिकॉज वहां पे टाइम बहुत क्रूशियल फैक्टर है. तो यस, ही इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड. अब यही क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि 10th टर्म क्या होगा, बताओ एक सेकेंड में. सो क्या करना है तुमको? तुमने एक सेकेंड में पहले इसको निकाल लिया, nth टर्म क्या है इसका? 4n-1. n के प्लेस पे 10 रख दो, बिकॉज वी नीड t10. तो रख दो, तो इसका 10th टर्म क्या हो जाएगा? 40-1 = 39. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन टेल एनी टर्म्स ऑफ द एपी.
एनी टर्म्स ऑफ द एपी, राइट। सेम वे अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ ये सभी एपी का सम क्या आएगा, जैसे कि दो नंबर का सम क्या आएगा 10, 3 प्लस 7 10, थ्री नंबर का क्या आएगा 21, ओके, वैसे ही एन नंबर का सम क्या आएगा, वही सेम क्वेश्चन है, बस अब इसको भी दो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। सी स्टूडेंट वन कैसे सॉल्व करेगा सेम क्वेश्चन को, देखो ऑल दो आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है ना, बट व्हाट विल मैटर हियर इज टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। सो स्टूडेंट वन क्या करेगा, प्रोसीजरल वे में जैसे उसने टेक्स्ट बुक में पढ़े उस वे में सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। वो देखा अच्छा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, s ऑफ n इक्वल टू इट इज n बाय टू टू ए प्लस n माइनस वन इन टू डी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, ये a की वैल्यू क्या है 3, दैट इज 6, d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पे 4, सो दिस विल बिकम 4n प्लस 2। सो इसको तुम डिवाइड भी कर सकते हो 2 से, सो दिस विल बिकम्स n इंटू 2n प्लस 1, n इंटू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना, इतने स्टेप्स उसको करने पड़े। सेम प्रॉब्लम को स्टूडेंट टू कैसे अप्रोच करेगा, उसका भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, इट इज d बाय टू एन स्क्वायर प्लस a माइनस d बाय टू एन, खत्म, पुट कर दो आ गया, d की वैल्यू क्या है 4, तो 4 बाय टू मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको हाफ कर दो, तो कॉमन डिफरेंस क्या था 4, उसका हाफ क्या होगा 2, तो इट विल बिकम 2n स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 3 माइनस d बाय टू इज कितना आया था 2 आया था, तो 3 माइनस 2 क्या आ गया 1n, यस, सो ही इज एबल टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड, ओके। सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में व्हाट हैपेंस कि ये सब ट्रिक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑल दो आंसर दोनों का करेक्ट है बट इट इज डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ओके, सो दैट्स इट।